30 मिनट दे रही हूँ, आपके पास पूरे 1800 सेकंड है राजकुमार की फांसी रुकवाने के लिए। अब आगे हमारी बातचीत तभी होगी जब आप मुझे राजकुमार की फांसी रुकवाने की खुशखबरी सुनाएंगे। सर, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना 35 मिनट बाद वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे। बात हमारे दायरे से निकल चुकी है, अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है ये। इस केस को हैंडल करने के लिए हमने एक बहुत ही होनहार ऑफिसर को अपॉइंट किया है, मिस्टर वालेचा। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अरे वाह, एक डेढ़ घंटे में दुबई पहुंच ही जाऊंगा। दुबई पहुंच के सबसे पहले संध्या जी को फोन करूंगा। क्या ये वेजिटेरियन है? यस सर। हाँ अब ये रहे, ये शुद्ध शाकाहारी है, खा ले। मेरी स्वीटी तो यम्मी यम्मी फूड खाएगी। हाँ क्या मम्मा, क्यों नहीं खा रही हो? अभी घर जाने के लिए बहुत टाइम है, खा लो ना माँ। बेटा ये पैटीज मोंटी की मन पसंद है। नानी आप क्यों नहीं खा रही? ये तो मेरा फेवरेट है, आप खाओ, बहुत यम्मी है। खाना आ गया जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी ब्रो, नॉन वेज फॉर मी। सर ये नॉन वेज ही है। थैंक यू वेरी मच ब्रो। यू नो मुझे बेसिकली कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है, यू नो स्टफ लाइक दैट। घर भर का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है पैदा होते ही बाहर का खाना खाना शुरू कर दिया था। नो थैंक्स, नो थैंक्स। खा लो। मुझे अपनी प्रेजेंटेशन ट्रैवलिंग में ही खत्म करनी है, दुबई पहुंचते ही मीटिंग है, खाने पीने का वक्त नहीं है मेरे पास। जब हेल्थ अच्छी होगी तभी तो काम कर पाओगी ना, और मैं जानता हूँ कि ज्यादा देर भूखे रहने से तुम्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। सी देयर यू गो। और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि हेल्थ के मामले में तुम्हारी लापरवाही तुम्हें हमेशा बीमार कर देती है, am I right? गौतम प्लीज, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। ओके योर चॉइस, मैं खाता हूँ। Excuse me. Ma'am, you want something? No, no, no. Just a glass of water? Yeah, sure. सर एक्चुअली यहाँ पे पैसेज ब्लॉक हो रहा था, आप पीछे वाला यूज करेंगे? ओके सर। आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। नो नो इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। नो नो आई विल जस्ट डू इट। ओह माय गॉड, सी द वे ही इज स्लीपिंग। एक्चुअली ये काफी गहरी नींद में सो रहा है, इनका सर बहुत दर्द कर रहा था, दैट्स व्हाई। डोंट यू थिंक ही इज अ वन लकी मैन? कितनी आराम से डीप स्लीप ले रहे हैं। मैं तो महीने हो गए अच्छी स्लीप लिए हुए। आई एम प्रेग्नेंट ना, यू कैन अंडरस्टैंड, प्रेगनेंसी में कितना मन होता है सोने का और अब सो ही नहीं सकते। या मैं समझ सकती हूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी इवन मुझे भी ऐसे ही लगता था। ओह रियली? ओके एनीवेज मैम, टेक केयर। ओके थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
अच्छा हुआ इस एयर होस्टेस को कोई शक नहीं हुआ इस मरे हुए कमांडो के बारे में। मिस्टर वालेचा रास्ते में है, कभी भी आ सकते हैं। चीफ, क्या बताऊंगी मैं घर वालों को, जो किसी ने भागो सूरज जी के बारे में पूछ लिया तो। हेलो संध्या भाभी, वो बाबा साहब पूछ रहे थे कि अब तक तो भागो का जो हवाई जहाज है वो भारत देश पार कर चुका होगा ना। वो क्या है ना, बाबा साहब को भागो की बड़ी चिंता हो रही है। अरे नाना बिन्नी, मने कोई चिंता ना हो रही है, बस इतना जानना चाहूं कि थारी भाभो इस देश से बाहर गई कि नहीं। अच्छा संध्या भाभी, दुबई पहुंचते ही सबसे पहले सूरज भैया तो आपको ही फोन करेंगे, तो एक बार वो आपको फोन कर दे, फिर आप सबसे पहले बाबा साहब को फोन करके बता दीजिएगा कि भाभो आराम से पहुंच गई। विक्रम भैया, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगी मैं, I'm sorry। भाभी, पता नहीं आज भाभी कुछ परेशान सी लग रही थी। ए जी, आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हो, अब तो ऐसे ही होने वाला है वो भी 7 दिन तक, क्योंकि शरीर तो यहाँ है और आत्मा वहाँ चली गई ना दुबई, इसी वजह से परेशान होंगी। के बिंदनी, के फालतू बात कर रही है, तू 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 जा पहले छाछ बना के ले आ, अजवाइन वाली। छाछ जाएगी? जो, थोड़ा सा तुम भी पी लेना। अभी तक हाईजैक की खबर बाहर नहीं गई है, लेकिन जब सब पता चलेगा तो बाबा साहब विक्रम भैया मीनाक्षी मोहित अमली पर क्या गुजरेगी। फैसले में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं ये लोग, 10 मिनट बीत चुके हैं, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। स्टबले को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? कहाँ जा रहा है? दुबई। क्या करेगा? अपने जोरे टॉय से खेलेगा। बहन जी, आपकी पोती ना बहुत प्यारी है, आपकी पोती की जैसी ना हमारी भी दो दो पोतियाँ हैं। बहन जी, मैं इसकी नानी हूँ, दादी नहीं। अच्छा अच्छा, आप नानी सा हो, बेटी के जापा करने के लिए साथ जा रही? नहीं, अब मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूंगी। साथ रहेंगे? इकलौती बेटी है, कोई बेटो ना है? नहीं बहन जी, मेरे एक बेटा है, उसका नाम मोंटी है। नानी, पानी दो। बेटो है, फिर भी बेटे के साथ रहेगी? हे मारा राम जी, ये जमाना आ गया है। जी इतना समय क्यों लगा रही है? भाई जी, एक्शन का सिग्नल जल्दी दीजिए। मिस्टर वलेचा अब तक पहुंचे क्यों नहीं? Excuse me. Yes, sir. मुझे एक ग्लास नींबू पानी मिलेगा? Sure, sir. Thank you. Sir, आपका नींबू पानी। Oh, thank you. ये लो। लो? और एक मिनट। इसके साथ मैं तुम्हें एक दवाई भी देता हूँ, जिससे तुम्हारी एसिडिटी ठीक हो जाएगी और तुम्हें आराम मिलेगा। मुझे बिन मांगी सलाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है डॉक्टर गौतम, प्लीज। हाँ, लेकिन दुबई में तुम्हारी मीटिंग है ना, अगर तबीयत खराब होगी तो
मीटिंग कैसे करोगे? और जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हारी ये प्रेजेंटेशन वो भी कंप्लीट नहीं हुई है ना? So, why did you take the medicine and have नींबू पानी? Come on. Thank you. गौतम जी, क्या आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, जनरल फिजिशियन. गौतम जी, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन वो क्या है ना कि मैंने आप दोनों की बातें सुनी. आप एक दूसरे को जानते हैं? बहुत अच्छी तरीके से. एक साल पहले हम लोग पति पत्नी थे, डिवोर्स हो गया. ओ, माफ करना. ओ, मुझे ओके. मुझे नहीं पता था. नहीं नहीं, कोई बात नहीं. काफी ठंडा हो गया. अब तो वक्त भी हो गया. अरे, आपने अपनी घड़ी को दुबई के टाइम से सेट नहीं किया? लाइए, मैं कर देता हूँ. लाइए. नो थैंक्स. क्यों? मिल गया जवाब. अब चुपचाप बैठ जाओ. सुरजी, वॉशरूम. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. सेनिटी. अच्छा मिस्टर, बहुत देर से तुमको सहन कर रही हूं. अपनी हरकतों से बाज आ जाओ. सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, मैं हैंडल कर लूंगा. देखिए, वाणिज्य स्तर अभी मिनिस्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं. सर जी, मैं उन्हें बता दूंगा. आई कीप यू पोस्टेड. सर, एसपी पुष्कर. हेलो सर. सिचुएशन क्या? सर, उनका फोन आता ही होगा. सर, राजकुमार की फांसी को भी 20 मिनट है, इसलिए उन्होंने सोचा 20 मिनट. और उन्हें लगता है कि इन 20 मिनट में हमारी सरकार उनके सामने घुटने टेक देगी. अगर वो ये सोचते हैं तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है. पता लगाओ नेगोशिएटर कहाँ है. सर, मेरी अभी उन्हीं से बात हुई है. वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते ही होंगे. अर्जुन चौधरी. मैं पहुँच चुका हूँ सर. दिशा कहाँ अटक गई? भाई जी ने अब तक उसको सिग्नल दे दिया होगा. भाई जी, आपके इशारे का इंतजार है. जल्दी बताइए क्या करना है आगे. जी, अब तक जवाब क्यों नहीं आ रहा है? अर्जुन चौधरी. वेलकम मिस्टर चौधरी. एंटी हाईजैकिंग और टेररिस्ट नेगोशिएशन के एक्सपर्ट हैं.
ये इस फील्ड में काफी अरसे से, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. सक्सेस रेट इज 80%. ही इज द बेस्ट वी हैव गॉट. सर, मिस्टर अर्जुन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है. यस सर, एक्सक्यूज अस प्लीज. कॉन्टैक्ट करिए उन्हें और लाउड स्पीक फिर से करिए. हेलो, एक्सक्यूज मी सर, वो लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं. कुछ फैसला लिया तुम्हारी सरकार ने, क्या राजकुमार की फांसी रोक दी गई है? हेलो, आई एम अर्जुन चौधरी. भारत सरकार की तरफ से मैं आपसे बात करूंगा. बोलो अर्जुन चौधरी, किस नतीजे पे पहुंची है तुम्हारी भारत सरकार? क्या उन्हें राजकुमार की फांसी चाहिए या फिर 78 मासूम पैसेंजरों की जान? देखिए, आगे की बातचीत करने के लिए क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? अर्जुन चौधरी, तुम मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. तुम यहाँ बस मेरे ऑर्डर्स मानने के लिए हो, रिश्ते बनाने के लिए नहीं. मुझे बस ये बताओ कि राजकुमार की फांसी रोकी है या नहीं. मैं आपके ऑर्डर्स लेने आया हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये 15 मिनट आपके लिए और हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं. आपको राजकुमार की जान प्यारी है और हमारी सरकार को हमारे 78 पैसेंजर्स की चिंता है. अर्जुन चौधरी, हम यहाँ हमदर्दी दिखाने के मूड में नहीं हैं. ना तो हमें हमदर्दी चाहिए और ना ही हम 78 लोगों के प्रति हमदर्दी दिखा सकते हैं. इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आओ, वही बेहतर होगा. ठीक है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा. हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं. हमें हमारे सारे पैसेंजर्स सेफ चाहिए. आप फ्लाइट को वापस भारत सीमा में लेके आइए. हमें एक एक पैसेंजर चाहिए स्टाफ क्रू के साथ, बिना किसी खरोच के. ये कुछ हमारी मांगे हैं जिससे माने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. बताइए, क्या ये सब आपको मंजूर है? सवाल के बदले सवाल नहीं होगा अर्जुन चौधरी. तुम डिमांड करने की पोजीशन में नहीं हो. सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दो. राजकुमार की फांसी रोकी है या नहीं? जब तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं कोई समझौता नहीं करूंगी. समझे तुम? देखिए, भरोसा रखिए हम पर. हम राजकुमार की फांसी रोक देंगे, लेकिन ऐसी चीजें कानूनन हैंडल करनी होती है. प्रोसेस चालू है, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात चल रही है. होशियारी मत दिखाओ अर्जुन चौधरी. मुझे जल्द से जल्द राजकुमार की रिहाई की न्यूज चाहिए. मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ. 5 मिनट के बाद हम एक एक करके पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को.